जिस तरह से मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया उस तरह के सारे पत्रकार को जेल में डाल दिया जाएगा, ये क्या होगा या नहीं होगा? अरे ये कहीं ना कहीं डरा रहे, धमका रहे हैं। देखिए हम ये कहेंगे कि किसी मजाल जो छेड़े दिलेर को जी, गर्दिशों में तो गिद्दड़ भी घेर लेते हैं शेर को जी। तो आपका दिन आया है, उठाइए मौका, कल हमारा भी दिन आएगा तब हम भी पूछेंगे, उस समय चियार के भाग मत जाइएगा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है। हाँ इस बात का डर है कि अगर जेल में गए 5 महीना के लिए रह गए तो 5 महीना फिर कैसे काम चलेगा, इस चीज का डर है। जेल में जाने का डर नहीं है, वहाँ ज्यादा वक्त रह जाने का डर है कि उतने समय में परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है। कश्यप के जो ऊपर जो आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह से साजिश है, सारे लोगों को पता होगा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? अरे शेर को कितने देर तक पिंजरे में कैद रखिएगा, एक ना एक दिन तो बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो दहाड़ सुन लीजिएगा। और कौन ऐसा नेता रहा है जो जेल में ना रहा हो? हर कोई रहा है, तो मनीष कश्यप कोई लोग नेता ही ना मानता है। कपिल सिब्बल 4 बार सुप्रीम कोर्ट में बोले कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, मनीष कश्यप नेता है। तब नेता जेल में रह के आता है, उसको रहने दीजिए जेल में, जब बाहर आएगा तो दहाड़ सुन लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है मनीष कश्यप का जो कमेंट आता था वो भर भर के आता था, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, वो तो कहीं अखर नहीं आ गया उन लोगों को? अरे हर चीज का डर था, एक लड़का जिसका झोपड़ा हम पटना में, और यहाँ पे बागेश्वर बाबा जी आए हुए हैं, और इसी पंडाल में आज अभिनव भैया मिले हैं, कुमार अभिनव भैया, और मनीष कश्यप के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। और सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अभी मनीष कश्यप के ऊपर जो तारीख पे तारीख मिल रहा है, इस पे आपका क्या विचार है सर? देखिए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की चीजें आपको पता है कि डिले ही होती है, काम धीरे धीरे ही होता है, तो इनके लिए अलग से रूल रेगुलेशन नहीं बनेगा, जैसे होते रहा है वैसे ही होगा, तो धीरे धीरे ही चलेगा। सीधी बात एक बार बताइए सर, मनीष कश्यप ऐसा क्या कर दिए जो कि इतना दिन उसको जेल में रखा दिया और एनएसए लगा दिए गए? देखिए हमारे दृष्टिकोण में सीधी बात है, ये एक प्रतिशोध है और कुछ भी नहीं है। कोई बड़ा अपराध, फेक न्यूज फैलाना एक अपराध है, इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उस पर एनएसए लगा दिया जाए। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य को आप अशांति फैला रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार बहुत गलत किया है मनीष कश्यप को। लेकिन हम लोग जहां तक से जानते हैं, जितना उनके साथ हो रहा है ना, उतना भी बड़ा उन्होंने अपराध नहीं किया। लेकिन फिर भी अभी मैं यहाँ पंडाल में उपस्थित हूँ और देख पा रहे हैं हमारे बीच में दूसरा मनीष कश्यप। अभी मनीष कश्यप रहता था कैसा रहता, अभी माहौल कैसा रहता? बहुत अच्छा रहता, कम से कम चीजों को दिखाते ग्राउंड लेवल पे जाके। हम लोग ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा कम काम करते हैं, ज्यादातर स्टूडियो से काम करते हैं। वो बंदा जमीन पे उतर के लोगों के बीच में जाके न्यूज कलेक्ट करता है। जब तक मनीष कश्यप जेल में रहते हैं, जब तक उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तब तक आपकी क्या इसमें रहेगी भूमिका? देखिए हमारा काम है, सुनिए मेरा अपना अलग काम है, काम करने का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, तो वो रहे ना रहे मैं तो अपने अनुसार ही काम करूंगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे खेद है कि जिस तरीके से हुआ चीजें वैसे नहीं होनी चाहिए थी। इसी साथ बने रहिए, दूसरा मनीष कश्यप जय हिंद। अच्छा बात है, ये मेरा सवाल तो खत्म है, मेरा सवाल जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि मनीष कश्यप का आजकल के युवा जो है बहुत ज्यादा मतलब कि फैन है मनीष कश्यप के, और आप भी मतलब कि सेकंड मनीष कश्यप है, क्योंकि कोई भी बातों को रखना होता है तो स्पष्ट तरीके से रखते हैं। लेकिन जो रोड सड़क नली गली पे बात करते थे वो हमारे आज बीच नहीं है। आज ऐसा हमारे बिहार में एक बात आ गया है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो महिलाओं पे समस्या उठ रही है उन्हीं को चीज दिखाने का प्रयास करते हैं ना, अभी रोड सड़क नली के स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात नहीं किया जाता है। सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सबको देखिए सस्ती टीआरपी लोकप्रियता चाहिए। यहाँ पे बागेश्वर धाम आए हैं, यहाँ पे मैं कहूँ की बागेश्वर धाम खूब अच्छे हैं जी, तो भाई सबको पता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आके दो गाली हम दे के इनको चले जाए, यहाँ पे डर है, हो सकता है गुस्सा के हमको पीट दें, हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग उसको देखेंगे ना, सोशल मीडिया पे व्यूज तो जाएगा, तो सबको यहाँ पे सस्ती लोकप्रियता और सस्ती टीआरपी चाहिए, बाकी सब लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं। सच को सच कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, सीधी बात। और जो रोड सड़क नली और गली का समस्याओं पे बात करता है उसको कहीं ना कहीं डर बना रहता है, जो स्वास्थ्य पे बात करता है, चाहे शिक्षा बात करता है, कोई भी स्कूल जाने में, अभी के लोग जब से मनीष कश्यप का एफआईआर दर्ज हुआ वो जेल गए, कहीं ना कहीं हमें भी डर लगा रहता है, इनको भी डर लगा रहता है, इस पे आपका क्या कहना चाहिए? ये डर बना रहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है जी, कोई डरने की जरूरत जी नहीं। हमारा काम है सवाल पूछना, वो हम पूछेंगे, वो हमारा अधिकार है, कोई हमसे नहीं छीन सकता। अगर आप हमको पत्रकार नहीं मानते तो एज अ हम आम नागरिक पूछेंगे, एज अ यूट्यूबर पूछेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम
सवाल पूछना बंद कर दें तो ये आपकी गलत फहमी है, वो बंद नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भी बताया जाता है बाहर से धमकियां मिल रहा है, मैं किसी पर्सन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये भी सवाल जवाब करते हैं, जिस तरह से मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया उस तरह के सारे पत्रकार को जेल में डाल दिया जाएगा, ये क्या होगा या नहीं होगा? अरे ये कहीं ना कहीं डरा रहे धमका रहे हैं। देखिए हम ये कहेंगे कि किसी मजाल जो छेड़े दिलेर को जी, गर्दिशों में तो गिद्दड़ भी घेर लेते हैं शेर को जी, तो आपका दिन आया है, उठाइए मौका, कल हमारा भी दिन आएगा तब हम भी पूछेंगे, उस समय चियार के भाग मत जाइएगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हाँ इस बात का डर है कि अगर जेल में गए 5 महीना के लिए रह गए तो 5 महीना फिर कैसे काम चलेगा, इस चीज का डर है, जेल में जाने का डर नहीं है, वहां ज्यादा वक्त रह जाने का डर है कि उतने समय में परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो हाथ में 50 रुपये का माइक और 10,000 का मोबाइल लेकर रोडों पर निकल जाते हैं? हम कहेंगे बिना डरे अपना काम कीजिए, हाँ थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करके कीजिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो दिक्कत है, अगर आपके पास नॉलेज है तो टोल टैक्स पे 10 सेकंड हम रुक जाएंगे तो थोड़ा हमसे कोई ले सकता है पैसा? नहीं ले सकता है। अगर हमें पता है कि वीडियो का क्या अधिकार होता है तो हम सवाल पूछेंगे, दिक्कत ये है कि कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है फिर भी वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, तो अपना अधिकार पता होना चाहिए, अपने बात करने का लहजा और तरीका पता होना चाहिए, इसके बाद कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, सब कीजिए कोई दिक्कत नहीं। एक मनीष कश्यप के जो ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं एक तरह से साजिश है, सारे लोगों को पता होगा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? अरे शेर को कितने देर तक पिंजड़े में कैद रखिएगा, एक ना एक दिन तो बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो दहाड़ सुन लीजिएगा, और कौन ऐसा नेता रहा है जो जेल में ना रहा हो, हर कोई रहा है, तो मनीष कश्यप कोई लोग नेता ही ना मानता है। कपिल सिब्बल 4 बार सुप्रीम कोर्ट में बोले कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, मनीष कश्यप नेता है, तब नेता जेल में रह के आता है, उसको रहने दीजिए जेल में, जब बाहर आएगा तो दहाड़ सुन लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है मनीष कश्यप का जो कमेंट आता था वो भर भर के आता था नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, वो तो कहीं अखर नहीं आ गया उन लोगों को? अरे हर चीज का डर था, एक लड़का जिसका झोपड़पट्टी का मकान है, खपड़े का मकान है, वो लड़का अगर तेजी से अपने दम पे आगे बढ़ेगा तो जलन तो होगी, सीधी बात है, और यही जलन मुख्य रीजन है। अगर सुनिए मैं बता रहा हूँ, अगर ये लोग बहुत लोग कहते हैं कि भाजपा का एजेंडा मनीष कश्यप चला रहा है, अगर भाजपा का एजेंडा मनीष कश्यप चला रहा होता तो भाजपा आराम से एनएसए हटवा देती, केंद्र सरकार का अधिकार होता है एनएसए एक्ट सेक्शन 21 कि वो अगर चाहे तो आराम से एनएसए हटा सकती है, केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन भाजपा ने कहां सहयोग किया, एनएसए तो लगा ही रह गया ना। अच्छा बताइए सर, आपको 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 जी आपको आपको डर लगा रहता है जैसे कि आप एक तरह से बेबाक तरीके से एकदम स्पष्ट तरीके से कोई भी बात को रख देते हैं, आपको दिल में डर नहीं लगा रहता हम भी कभी जेल चल जाएंगे, जिस तरह से रवि भट्ट पे जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ है उसको प्रशासन खोज रही है, ढूंढ रही है? देखिए डर, हाँ मनीष कश्यप के बाद डर बस इस बात का लगा रहता है कि गलती से कुछ गलत ना बोल दूं, सवाल पूछने से डर नहीं लगता, वो तो हम करेंगे ही, वो तो हम पूछेंगे ही, हाँ अधिकार क्षेत्र से बाहर न चले जाएं और गलती से कुछ गलत न बोल दें, बस इस बात का डर है, बाकी और किसी चीज का डर नहीं है, और गलत करने का डर होना चाहिए, अगर आप गलत खबर फैला रहे हैं तो आपके ऊपर केस होना चाहिए, हाँ वो उसके मैं वो खिलाफ में नहीं हूँ।